फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेसिक टॉपिक, लेकिन ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाहे बात स्पोकन इंग्लिश की हो या किसी एग्जाम की, इस टॉपिक को आपको सीखना ही पड़ता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इट की और हम देखेंगे इट का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, इट का इस्तेमाल समय यानी टाइम, दिन, महीना, साल, मौसम और तारीख यानी दिनांक के साथ करते हैं। इसके अलावा भी हम इट का कुछ खास इस्तेमाल देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं। आइए फ्रेंड्स, देखें कि मौसम के साथ इट का इस्तेमाल कैसे करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि बारिश होती है, आप कहेंगे इट रेन्स। अगर आपको कहना हो कि बर्फबारी हो रही है, आप कहेंगे इट इज स्नोइंग। अगर आपको कहना हो कि जोर से हवा चल रही थी, तो आप कहेंगे इट वॉज ब्लोइंग हार्ड, यानी जोर से हवा चल रही थी। अगर आपको कहना हो कि रिमझिम बारिश थी, तो आप कहेंगे इट वॉज ड्रिजलिंग। अगर आपको कहना हो कि तेज बारिश हो रही थी, तो आप कहेंगे इट वॉज रेनिंग हैवीली। अगर आपको कहना हो कि ठंडी का दिन था, तो आप कहेंगे इट वॉज विंटर। आज बहुत गर्मी है, तो आप कहेंगे इट इज वेरी हार्ड टुडे। चांदनी रात है, इट इज मून लिट नाइट। आधी रात है, इट इज मिड नाइट। कड़ाके की ठंड है, इट इज टेरिबली कोल्ड, या इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। आइए फ्रेंड्स, अब देखें कि दिनों के नाम के साथ आप इट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो रविवार है, तो आप कहेंगे इट इज संडे। बुधवार है, इट इज वेडनेसडे। गुरुवार है, इट इज थर्सडे। आइए फ्रेंड्स, अब देखें कि महीने के नाम के साथ आप इट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि जनवरी है, आप कहेंगे इट इज जनवरी। फरवरी है, इट इज फरवरी। मार्च है, इट इज मार्च। अप्रैल है, इट इज अप्रैल। जून है, इट इज जून। जुलाई है, इट इज जुलाई। आइए फ्रेंड्स, अब देखें कि तारीख यानी दिनांक के नाम के साथ आप इट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो 20 नवंबर है, आप कहेंगे इट इज 20 नवंबर। 10 मार्च है, इट इज 10 मार्च। 10 अप्रैल है, इट इज 10 अप्रैल। 5 फरवरी है, इट इज 5 फरवरी। आइए फ्रेंड्स, अब देखें कि टाइम वाले सेंटेंसेस में आप इट को कैसे इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो 9:30, तो आप कहेंगे इट इज 9:30। 9:30 के लिए आप कहेंगे 9:30, और इस तरह के सेंटेंसेस को आप इट से बोलेंगे। आप कहेंगे इट इज 9:30। 10:30, इट इज 10:30। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो 3:45 हो रहा है, तो 3:45 की इंग्लिश होती है 2:15। आप कहेंगे इट इज 3:45। 4:15 हो रहा है, इट इज 4:15। 5:15 हो रहा है, इट इज 5:15। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि 5:15, तो 5:15 की इंग्लिश होती है 5:15। आप कहेंगे इट इज 5:15। 6:15 हो रहा है, इट इज 6:15। 7:15 हो रहा है, इट इज 7:15। 8:15 हो रहा है, इट इज 8:15। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि 9 बज रहा है, आप कहेंगे इट इज 9:00। 10 बज रहा है, इट इज 10:00। अगर आपको कहना हो 6:05 कम है, तो आप कहेंगे इट इज 6:05। फ्रेंड्स, जब हम टाइम हिंदी वाले सेंटेंसेस में बताते हैं, तो सबसे पहले हम घंटा बोलते हैं और बाद में मिनट। लेकिन अगर हम बात इंग्लिश की करें, तो जब हम टाइम को इंग्लिश में बोलते हैं, तो हमें सबसे पहले मिनट बोलना होता है और बाद में घंटा। यानी हिंदी में पहले घंटा बाद में मिनट, लेकिन इंग्लिश में पहले मिनट बाद में घंटा। इसीलिए इस सेंटेंस में मैंने सबसे पहले मिनट बोला और बाद में घंटा बोला। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि 4:07, तो आप कहेंगे इट इज 4:07। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि 7:03 कम है, तो कम के लिए आप 2 का इस्तेमाल करते हैं। आप कहेंगे इट इज 7:03। 9:03 कम है, आप कहेंगे इट इज 3:09। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको ये बात समझ में आई कि आप टाइम वाले सेंटेंसेस को इट के मदद से बोलेंगे। आइए फ्रेंड्स, अगला यूज देखते हैं। फ्रेंड्स, इट का इस्तेमाल जानवरों के लिए किया जाता है, यानी एनिमल्स के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हैज अ कैट, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। उसके पास एक बिल्ली है और वह बहुत खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि मैंने नाउन कैट की जगह पर इट का इस्तेमाल किया। आई हैव अ डॉग, इट इज वेरी फेथफुल। मेरे पास एक कुत्ता है और वह बहुत वफादार है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने सीखा कि इट का इस्तेमाल जानवरों के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, इट का इस्तेमाल छोटे बच्चों के लिए किया जाता है, यानी बेबी के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट इज वेरी क्यूट बेबी, यह बहुत प्यारी बच्ची है। आई सॉ अ चाइल्ड, इट वॉज प्लेइंग।
मैंने एक बच्चा को देखा, वह खेल रहा था। तो फ्रेंड्स, इट का इस्तेमाल छोटे बच्चों के लिए करते हैं, खासकर तब जब आप उनमें मेल या फीमेल का अंतर न रखें। फ्रेंड्स, किसी नाउन या प्रोनाउन को वैल्यू देने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इट इज मी, मैं हूँ, इट इज यू, तुम हो, इट इज ही, वह है, इट इज सी, वह है, इट वॉज शिमला, वेयर वी लिव्ड, शिमला था जहाँ हम लोग रहते थे, इट वॉज कश्मीर, वेयर वी वेंट लास्ट ईयर, कश्मीर था जहाँ हम लोग पिछली बार गए थे। तो फ्रेंड्स, किसी नाउन या प्रोनाउन को वैल्यू देने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। इट का इस्तेमाल नॉन लिविंग नाउन के लिए किया जाता है, जैसे हेयर इज योर पेन, प्लीज टेक इट। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बोला टेक इट। इट का इस्तेमाल एक नॉन लिविंग नाउन यानी पेन के लिए किया। इट इज माई कार, यह मेरा कार है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि यहाँ एक नॉन लिविंग नाउन के लिए मैंने इट का इस्तेमाल किया। साल के नाम के साथ भी इट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1947 था तो आप कहेंगे इट वॉज 1947, 2002 था इट वॉज 2002, 2019 है इट इज 2019, 2006 था इट वॉज 2006। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इट वाला लेसन शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।